हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्शन मीन हिंदी। और मैं वर्षा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो है एड़ी दर्द यानी हील पेन के बारे में। ये एक बहुत कॉमन समस्या हो गई है, अक्सर लोगों को यह दर्द बना रहता है। तो हम आज आपके लिए कुछ होम रेमेडी लेकर आए हैं जिनसे आप ये हील पेन से छुटकारा पा सकते हैं। हील पेन होने की कई सारी वजह होती हैं, यदि उन वजहों को सॉल्व कर लिया जाए तो हील पेन से रिलीफ मिल सकता है। यदि इतना सब होने के बाद भी अगर आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आपको डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। तो आज हम आपको कुछ होम रेमेडी बताएंगे जो आपके हील पेन में रिलीफ देंगे। तो चलिए, जो एड़ी का दर्द है वो कई बार हम टाइट शूज़ पहन लेते हैं उसकी वजह से होता है, या पोस्चर गलत होता है, या फिर किसी रोग का संकेत भी हो सकता है एड़ी में दर्द। तो इस दर्द को आप कैसे ख़त्म करेंगे? महिलाओं में एड़ी में दर्द होना बहुत कॉमन हो गया क्योंकि उनका अक्सर जो भी काम होता है वो खड़े खड़े होता है, किचन का काम हो, ऑफिस का काम हो, मोस्टली हमारे जो रूटीन है वो उसमें यही हो गया है कि हम लोग खड़े खड़े काम करते हैं, जिससे बॉडी का पूरा प्रेशर हमारी एड़ियों पे आते हैं जिसके कारण से दर्द होने लगता है। और कई बार हमारा जो वेट होता है वो ज़्यादा होता है, उसकी वजह से भी दर्द होता है। इसके अलावा महिलाओं में कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो उसकी वजह से भी आपको हड्डियों में दर्द होता है। तो जो हड्डियों में दर्द है इसके लिए हम सेंधा नमक का यूज़ कर सकते हैं। सेंधा नमक दर्द में बहुत ही एड़ी दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। सेंधा नमक में मैग्नीशियम सल्फेट की उच्च मात्रा होती है जो हमारे शरीर में हड्डियों में के लिए कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम की जो आवश्यकता होती है, इसलिए एड़ी में दर्द के लिए सेंधा नमक का उपयोग किया जा सकता है। आप एक बर्तन में गर्म पानी कर लें और इसमें कुछ थोड़ा सा सेंधा नमक घोल लें और इस दौरान अपनी एड़ियों की मालिश करते रहें और इसमें डाल के आप रखेंगे तो आपको दर्द से राहत मिलेगी। एक दोनों पेड़ों में दर्द है तो इसके लिए आप अलसी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। अलसी ऑयल आपके एड़ी के दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो इसकी आपको मालिश करनी चाहिए अपनी एड़ी पे। तो मालिश करने से जो हमारी एड़ी का दर्द है उसमें रिलीफ मिलता है। कई लोगों को यह दर्द इतना ज़्यादा होता है कि उन्हें चलने में भी दिक्कत होने लगती है, तो ऐसे गंभीर दर्द के लिए आपको ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो घरेलू उपाय तो आप अपनाते हैं, यदि आपको बहुत ज़्यादा दर्द है तो आपको ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हो सकता है कि आपकी जो एड़ी की हड्डी है वो बढ़ गई हो, उसकी वजह से ये आपको इन चीज़ों से रिलीफ नहीं मिले, तो वो आपको डॉक्टर एक्सरे द्वारा ये जांच करके बताएगा कि आपकी कहीं हड्डी तो नहीं बढ़ गई है। यदि ऐसा है तो फिर आपको मेडिकल का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, फिर आपको घरेलू उपाय काम नहीं आएंगे। तो हाँ, ये थोड़े से आपको रिलीफ ज़रूर देंगे, पर यदि आपको किसी और वजह से एड़ी में दर्द है तो आप इन उपायों को अपना सकते हैं। तो आप कोई भी तेल का, आप एसेंशियल ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे कुछ तेल हैं जो मालिश के लिए, एड़ी की मालिश के लिए काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि नारियल का तेल है, जैतून का तेल है, रोज़मेरी का तेल है, या आमंड ऑयल जैसे। ये सभी औषधीय तेल होते हैं, इनमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो दर्द को कम करने में मदद करते हैं। तो आप इनमें से किसी भी तेल का यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। जिन लोगों की काफ़ी हार्ड होती है एड़ी उनको नरम बनाता है, जिसके कारण से आपको दर्द से राहत मिलती है। इसके अलावा आपको बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं। बेकिंग सोडा एड़ी के दर्द के उपचार के लिए काफ़ी अच्छा होता है। यह आपके दांतों और त्वचा के लिए तो आपने कई बार यूज़ किया होगा, तो एड़ी में जो कैल्शियम क्रिस्टल के रूप में जमा हो जाता है उसको दूर करने में मदद करता है। इसके लिए फिर आपको एक चम्मच बेकिंग सोडा मिलाकर पेस्ट बना लेना है और इसे एड़ी पे लगाएं। ये आपको एड़ी के दर्द से राहत दिलाएगा, साथ ही ये आपके एड़ी के पीएच लेवल को भी बैलेंस करता है। अगला है, आप सेब के सिरके का यूज़ कर सकते हैं। सेब का सिरका भी आपके एड़ी दर्द से राहत दे सकता है। जो एप्पल साइडर विनेगर होता है तो इसका इसमें एक गुण पाया जाता है जो एक्स्ट्रा कैल्शियम होता है उसको अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण से जो आपकी हड्डी है बढ़ गई है तो उसके दर्द से राहत मिला देने में काम करता है। तो आप इसके लिए गर्म पानी में इसको डाल लें, थोड़ा सा सेब का सिरका, और उसमें अपनी एड़ियों को भिगो कर रखें तो आपको दर्द से राहत मिलेगी।
यदि आप इन सभी प्रकार के घरेलू उपचार कर चुके हैं और आपको यदि एडीज के दर्द से राहत नहीं मिल रही है तो फिर आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। साथ साथ में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आप शूज़ खरीदते हैं तो एकदम आप सही फिटिंग के और सपोर्ट वाले शूज़ आप खरीदें, और यदि आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसके पहले वार्म अप जरूर करें, जिसके कारण से जो मांसपेशियों में खिंचाव होता है उसके कारण से भी आपकी एड़ी में दर्द हो सकता है। आप एक्सरसाइज में खूब मेहनत करें तो उससे भी आपका वेट लॉस होगा, एड़ी के दर्द से राहत मिलेगी। और संतुलित आहार लें, यदि आपको ज़्यादा दर्द है तो आप आराम करें। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।